अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज के लेक्चर में आपका जो सबक है इशारात ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो एक्सरसाइज थी हम वो कर रहे थे। सवाल नंबर एक तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, आज हम सवाल नंबर तीन से शुरू करेंगे। सवाल नंबर तीन में हमारे पास है कि दर्ज ज़्यादा मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो ये कुछ अल्फाज हमें दिए गए हैं, इनके हमने जुमले बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा हाथ लटकाते आने, तो इसका जुमला है कि तुम तो अपने ससुराल भी हाथ लटकाते जा रहे थे। नेक्स्ट है पल्ले बांध लेना, तो इसका जुमला होगा मेरी नसीहत को गौर से सुनो और इससे पल्ले बांध दो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है ओहदा बरा होना, हम आपके एहसान के शुक्रिए से ओहदा बरा नहीं हो सकते, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की है। नेक्स्ट सवाल पैदा होना, इसका जुमला है कि मौका जब आ जाता रहा तो फिर किसी के कहने सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गोरगन, तो इसका नहीं ये जुमले आपके सॉरी यहाँ तक ही थे। तो आगे आ जाता है कि गोरगन और गुसाल क्या काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपने बताना है। तो जो गोरगन है वो कब्र खोदता है और कब्र को तैयार करता है, और जो गुसाल होता है वो मुर्दे को नहलाने वाले को गुसाल कहते हैं, ये मुर्दे नहलाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। एक बुज़ुर्ग किसको फहमाइश कर रहे थे, बेटे को, पोते को, नौकरानी को या नौकर को, तो इसका है नौकर को। मीर साहब ने बाज़ार से क्या मंगवाया था, लैंप, पंखा, बल्ब या कूलर, तो इसका करेक्ट है बल्ब। नेक्स्ट है इतफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ, नज़ले का, बुखार का, सर दर्द का, खांसी का, तो इसका करेक्ट है बुखार का। नेक्स्ट है नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत काबिल हैं, माहिर हैं, लायक हैं, हाजिक हैं, तो इसका करेक्ट है हाजिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक रह गया है, वो है कि फरमाबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, महरूम, अलग, आग या फारिग, तो इसका करेक्ट है आग, आग। ठीक है, तो ये था इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है कि इस सबक से पांच इसम नकरा तलाश करके लिखें। तो इसमें से जो पांच इसम नकरा है वो है एक नौकर, फल, मकान, कार और कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि दर्ज ऐल अल्फाज के मुजाद लिखिए। तो ये कुछ अल्फाज हमें दिए गए हैं, इनके हमने मुजाद करने हैं, जैसे मेज़बान, मेहमान, बुज़ुर्ग, बच्चा, दूरंदेश, कोतंगेश, उम्मीद, नाउमीदी। उसके बाद नेक्स्ट है कि दर्ज ऐल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तस्वीर तानी वाजिया हो जाए। तो जैसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास कफ़न, तो इसका है कि मुर्दे को कफ़न पहनाया जा रहा था जब उसका बेटा भी आ गया। नेक्स्ट चिमनी, कारखाने की चिमनी से धुआं ही धुआं निकल रहा था। नेक्स्ट डिग्री, अली की डिग्री जाली है, अब इसके खिलाफ एक्शन होगा। नेक्स्ट है हमला, शेर ने लोमड़ी पर हमला किया और इसे दबोच लिया। नेक्स्ट वर्ड है लस्सी, तो इसका आएगा मुझे लस्सी बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ तक ही था आपका ये चैप्टर, यहाँ तक हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है। जो नेक्स्ट रह गया है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।